साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बैंक की छत, बारिश के चलते गिरी छत, टला बड़ा हादसा। औरैया में लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव में हालात खराब, बारिश से कई गांव तालाब में हुआ तब्दील। अलीगढ़ में लगातार हो रही बरसात से पिछड़े शहर के हालात के नवागत नगर आयुक्त ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। औरैया में आयोजित हुआ द्वितीय ब्लॉक दिवस, सभागार में भारी संख्या में पहुंचे किसान यूनियन। अयोध्या में गोसाईगंज के विधायक का शिकायती पत्र हुआ वायरल, विधायक ने डीजीपी को लिखा था शिकायती पत्र। बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील में भाकियों के किसानों ने डाला डेरा, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू। गाजीपुर में जिला अधिकारी आयंकर अखौरी का शानदार आगाज, कलेक्ट्रेट में बनेगा शिकायत निस्तारण सेल। गाजियाबाद में कॉलेज के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज का गिरा निर्माणाधीन झज्जा, मलबे में दो मजदूर दबे, एक की हुई मौत। हरदोई में एक्शन में जिला अधिकारी, भाड़े पर शिक्षक रखकर शिक्षण कार्य कराने वाले प्रधानाचार्य पर कार्रवाई के दिए निर्देश। महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग के वज्र ऑपरेशन के मामले में मेडिसिटी अस्पताल के संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में करोड़ों के डीएसपी खाद घोटाले में आरोपी क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव गिरफ्तार, गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। प्रयागराज में गाजे बाजे के साथ निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, रावण के स्वागत में उमड़ पड़ा जनसैलाब। गाजियाबाद के कलछीना गांव में एटीएस ने बोला धावा, पीएफआई के एजेंट परवेज महिलाओं की आड़ को लेकर हुआ फरार। औरैया फायर स्टेशन हुआ जलमग्न, जलमग्न में फंसी महिलाओं को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मारा छापा, छापे के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अमेठी में मोबाइल चोर को दुकानदार और राहगीरों ने पकड़ा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को कराया रफा दफा। बुलंदशहर में एसीएमओ व सीओ ने न्यू यशोदा हॉस्पिटल पर मारा छापा, अनियमितताएं पाए जाने पर किया हॉस्पिटल सील। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में पांच सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे भाकियों के कार्यकर्ता, गांवों से जुड़ी समस्याओं को लेकर दिया जा रहा धरना।
चंदौली में पुलिस स्क्वाड टीम को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख की कीमत हीरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। गोंडा में संविदा लाइनमैन के परिजनों से मिले अखिलेश, 2 लाख की मदद दी, परिवार का हर स्तर पर मदद का दिया आश्वासन। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी युवक हुआ फरार। पीएफआई के मामले में बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में भी एनआईए का एक्शन जारी, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। लखनऊ में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा फर्जी आईपीएस, खुद को आईपीएस बताकर सिपाही और इंस्पेक्टर पर दिखा रहा था रौब। श्रावस्ती में आधे अधूरे टिन शेड में चल रहा था प्राथमिक विद्यालय, राप्ती नदी में समाहित हो गया था परिषदी स्कूल। सोनभद्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रक ऑपरेटरों ने प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। औरैया में आसमान से हो रही आफत की बारिश के बाद डीएम ने दिए आदेश, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। लखनऊ में कार के अंदर युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में सट्टे का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी, राजू गुप्ता और लतीफ बने सट्टा कारोबार के नए किंग। औरैया में बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, कहीं आकाशीय बिजली ने दिखाया सितम तो कहीं बारिश से गिरे कच्चे मकान। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, आज पुरुष विधायक सिर्फ सुने, बोले गलती का एहसास हो तो घर की महिलाओं से मांगे माफी। प्रयागराज में युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, मंगेतर से मिलने गई थी, बोली पापा से बात कर लो, मेरी सगाई हुई है। आगरा में प्रेमिका को घुमाने लाया पति, पत्नी ने की पिटाई, हाथ जोड़कर बोली प्रेमिका दीदी हम आज ही आए हैं आपकी कसम। बुलंदशहर में गंगा में युवक का शव बरामद, शक के आधार पर पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया। मथुरा के गोवर्धन में बारिश से धान की फसल बर्बाद, पानी में डूब गई धान की फसल, कटाई में खर्च हो रहे 2 गुने रुपए। संत कबीर नगर में कोटे के चयन में एडीओ पर धांधली का आरोप, महिलाओं ने डीएम कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मेरठ में एनकाउंटर में ढेर, आरोपी की संपत्ति होगी जब्त, 19 अप्रैल को असम में एनकाउंटर में मारे गए थे मेरठ के इंटरनेशनल गो तस्कर। हरदोई में यज्ञ योग व प्राकृतिक चिकित्सा का निशुल्क परीक्षण, दक्षिण में लानी होगी 8-8 अगुल की 3 संविधाएं।
बहराइच में पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार, एनआईए यूपी एटीएस ने की संयुक्त छापेमारी, सुबह 4 बजे घर से उठाया। बरेली में सरकारी इलेक्ट्रॉनिक बस एसी में विस्फोट, एक की मौत, ब्लास्ट इतना तेज था कि कई मीटर उछलकर दूर गिरे 3 कर्मचारी। मथुरा वृंदावन के बीच दौड़ी नई रेल बस, सांसद हेमा मालिनी ने दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम के लिए बदली रेलवे ने वृंदावन स्टेशन की सूरत। मुजफ्फरनगर पालिका चेयरमैन ने किया पद छोड़ने का ऐलान, शासन ने कर दिए थे वित्तीय अधिकार सीज। रामपुर की पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सनल बोली, आजम खान ने सत्ता के बल पर षड्यंत्र रचकर खजाने से चुराई तिजोरी। गोरखपुर में नौकर ने मालिक के बेटे को किया किडनैप, मालकिन का फोन भी चुरा ले गया नौकर। शामली में भी एटीएस की दबिश, पीएफआई के सक्रिय सदस्य मौलाना साजिद को किया गिरफ्तार, पत्नी है गांव की प्रधान। बागपत में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, बिजली मीटर और बकाया बिल भुगतान सहित 8 मांगे, अनदेखी का आरोप। पीलीभीत जिला अस्पताल में डीएम को मिली पतली दाल, निरीक्षण में कई फरियादियों ने की शिकायतें। हरदोई में तालाब में डूब कर युवक की मौत, 3 साथियों के साथ गया था मछली पकड़ने। बाराबंकी से पीएफआई का कोषाध्यक्ष गिरफ्तार, एनआईयूपी एटीएस ने की थी छापेमारी, रात 3 बजे से हो रही थी पूछताछ। गाजीपुर में जलभराव में खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों का पितृपक्ष में तर्पण कर जताया विरोध। हरदोई में 4 लाख का सोना ले गए टप्पेबाज, ग्राहक बनकर आए थे ज्वेलर्स की दुकान पर, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। फतेहपुर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, स्कूटी सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पुलिस ने परिजनों को दी जानकारी। पीलीभीत में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, रेलवे कोच में लगी आग, एनडीआरएफ और अन्य विभागों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। ललितपुर में बांधों का जलस्तर बढ़ा, जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश, 5 बांधों के गेट खोल कर छोड़ा जा रहा पानी। आजमगढ़ में खतरे के निशान के निकट घाघरा, 45 गांव प्रभावित, इलाके के दौरे पर पहुंचे डीएम, बोले प्रशासन ने की तैयारी। लखीमपुर खीरी में स्कूल में पोछा लगाते और सब्जियां भी काटते नजर आए बच्चे, हेडमास्टर से बीएसए ने मांगा जवाब। कन्नौज में दबंग ने कटवाए हरे पेड़, ग्राम समाज की जमीन को अपना बताकर किया सौदा, एसडीएम से शिकायत। सुल्तानपुर में प्रेम प्रसंग में युवक ने किया सुसाइड, प्रेमिका से फोन पर बोला जियो मुस्कान मेरी मौत के साथ। अपने मकसद में कामयाब हो राहुल गांधी, संभल में सपा सांसद डॉक्टर वर्क ने भारत जोड़ो यात्रा का किया समर्थन।
बारिश के चलते मकान में दबकर 3 मासूमों की मौत। इटावा शहर में पड़ोसी का मकान ढहने से लोग दबे, 2 घायल। हाथरस में भारी बारिश से गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबे पशुओं को प्रशासन की टीम ने निकाला। मूसलाधार बारिश से टापू बना इटा, सरकारी कार्यालय, सड़कें, स्कूल, कॉलेज जलमग्न, घरों में घुसा पानी, बिजली भी काटी गई। अमेठी में आजादी के 7 दशक बाद भी आज तक नहीं बनी सड़कें, ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वयं बना रहे सड़कें। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। फरुखाबाद में जर्जर भवन का बड़ा हिस्सा गिरा, बाल बाल बचा पालिका कर्मी का परिवार। मुख्यमंत्री का मथुरा दौरा रद्द, बारिश के चलते कार्यक्रम की जगह पर भरा पानी, नगला दीनदयाल धाम में आने का था प्रोग्राम। संभल में पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, नकदी सहित ताश के पत्ते बरामद, एसपी बोले अभियान रहेगा जारी। बागपत पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बैंक चौराहों और स्कूल के आसपास की गई चेकिंग, वाहनों के चालान काटे। बुद्ध की शरण में आए अर्थी बाबा, कुशीनगर में 2024 में लड़ेंगे चुनाव, अब तक 13 बार मिल चुकी है हार। पीलीभीत में आबकारी सिपाहियों ने सेल्समैन को पीटा, शराब की दुकान में मांगे पैसे, मना किया तो कर दी पिटाई। झारखंड बदायूं से अफीम की तस्करी करने वाले 2 गिरफ्तार, शाहजहांपुर पुलिस ने दोनों को दबोचा। जालौन में कटान के कारण डंपर डूबा, तेज बहाव के कारण 5 मीटर चौड़ी सड़क बही, मौके पर नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।